Assalamu alaikum students, I Professor Mohammad Noman Faisal is once again here with yet another topic and that topic is today of vocabulary. तो हम अपनी वकैब का स्टार्ट करते हैं जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो UHS essential word power जो है हमारा आज का टॉपिक है और उसमें हम ए को आज डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो ए के मुतल्लिक 60 वर्ड्स हैं. तो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग दीज वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज एबिरेशन. एबिरेशन स्टूडेंट, अगर इसको मैं एज अ वर्ड लूँ तो मीन्स जब आप एक रास्ते से डिविएट कर जाएं, तो इसका जो बेसिक सिनोनिम बनता है वो डिविएशन है. डिविएट से देखें, जब भी एक वर्ड एब आ जाएगा, किसी भी वर्ड के साथ एब आ जाए तो आप एबसेंट से याद रखिए. एब की प्रीफिक्स का मीनिंग होता है एबसेंट, अवे. तो एबिरेशन हो जाना मीन्स अपने रास्ते से अवे हो जाना, अपने रास्ते से एबसेंट हो जाना. तो दैट प्रीफिक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ निमोनिक ऑल्सो फॉर यू. जब अपने रास्ते से एबसेंट हो जाते हैं तो आप में एबिरेशन आ जाते हैं. तो इनहराफ, बिगाड़, मीन्स जब आपके अंदर नॉर्मेलिटी ना रहे, जो नॉर्मल ट्रैक है उससे आप थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए तो आप में डिविएशन आ गई है, एनॉमली बेकायदगी आ गई है, एबनॉर्मेलिटी आ गई है, इरेगुलरिटी, वेरिएशन, डाइग्रेशन, फ्रीक, रॉग, रेयरिटी, क्वर्क, ऑडिटी. सो दैट इज़ द मीनिंग. तो मीनिंग्स ही आप ऊपर देख भी सकते हैं. हर जो आप वर्ड है उसके मीनिंग्स दिए, उनके सेंटेंसेस हैं, उनकी सिनोनिम्स हैं और उनके एक पिक्चर है. जैसे प्रिज्म से लाइट गुजरती है तो उसमें एबिरेशन कह लें या डिविएशन होती है. डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, डिपार्चर फ्रॉम द ट्रूथ और मोरेलिटी.